तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। अगर आप लोग भी मेरी तरह एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहे। आज का टॉपिक है कि मैं आप लोगों को लाइव म्यूजिक कैसे बनाते हैं, जैसे पैटर्न कैसे बनाते हैं, पैटर्न प्लस ब्रेक, इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि एक मेरा भाई है, वो बहुत बार बार कॉमेंट करते कि सर जी आप मेरे को ब्रेक पैटर्न बनाना बताइए। तो मैं देर न करते हुए ले चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ से मैं आप लोगों को लाइव कैसे उसको बीट बनाया जाता है, कैसे उसको ब्रेक यानी फील बनाया जाता है। तो मैं अपनी देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे ले आया, जहाँ पर मैंने जिस के थ्रू मैं आप लोगों को बीट बनाता हूँ, तो उसका नाम है FL स्टूडियो। तो FL स्टूडियो में देखिए सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को। जब अगर विंडो अगर ऐसे खोलिएगा, न्यू विंडो खोलिएगा, तो इस तरह का रहेगा, ठीक है ना, इस तरह का रहेगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जाना पड़ेगा, जैसे पैटर्न के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, बीट सेलेक्ट आपके पास जो भी लूप है उसके माध्यम से बना सकते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर जो मैं बनाता हूँ तो उसका हेड लिस्ट लगा हुआ है। तो मेरे पास देखिए, अगर मैं बंद कर दूँ अगर, तो मेरे पास देखिए यहाँ पर आप लोगों को जैसे बीट बनाने के लिए एक ऐसा चाहिए ऐसा, तो देखिए मेरे सिंपल में है, जैसे यहाँ पे FLP सिंपल जो मेरा लूप है उसमें बहुत तरह के लूप है। तो क्या हम सबसे पहले अपना जो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किक को, तो देखिए मैंने किक को ऐड ऐसे यहाँ कर लिया है, ठीक है। आप लोगों को जो अगर किक होगा वो कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा यहाँ एक ढोल है, यहाँ पर मैं आप लोगों को घुंघरू ले लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है से मैं अपना एक ढोल की पैटर्न, जो मतलब हम अपना जो भी अगर लूप से बनाते उसमें ढोल की पैटर्न का मैं यूज करता हूँ, तो सब मेरा सबसे बढ़िया ये मेरा लगता है, ये कर लिया। बाकी जो भी आप लोगों को करना होगा समझे, तो इस तरह के यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने लो। तो सबसे पहले क्या होता है, अपना BPM जो होता है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, कि जो भी आप लोगों को अगर जितना BPM रखना है मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ जो भी अगर आप लोगों को अगर बीट बनाना है, एक गुन, दो गुन, छः गुन, जैसे जो भी आप लोगों को बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है, क्या फंडा है बनाने का। तो देखिए अगर इस पर मैं यहाँ पर किया राइट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर देखिए 4, लेकिन ये तो आप लोगों को बन गया, ठीक है 4 पे। लेकिन ढोलक लगाना है तो कैसे लगाना है, उसको क्या फंडा है। तो ढोलक लगाने का फंडा होता है दो तरह से, लेकिन मैं इसी बीट में सारे चीज़ में बता दूंगा। एक दोगुन मैं 4 बीट बनाकर मैं इसमें ब्रेक के साथ में बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आप लोगों को ब्रेक या बीट बनाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। अगर दिक्कत आप लोगों को आएगा तो मेरे से कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को फिर से कोशिश करूंगा का ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊं, तो ठीक है। देखिए एक बीट यहाँ से इस तरह का बनता है, ठीक है ना, ऐसे जैसे यहाँ देख लिए काले का लास्ट में लगाना है, मतलब यहाँ से 3-3 छोड़कर, देखिए काले का लास्ट छोड़ देना है, और फिर यहाँ से लाल वाला जो है वो 2 छोड़कर तीसरे पर लगा लेना है। फिर उसी तरह इसी को कन्वर्ट, जैसे इसे 8 है ना, 8 × 2 = 16 रहती, इसी को कन्वर्ट कर देना, जैसे यहाँ से काले का 1, 2, 3 छोड़कर चौथे पर लगाना है, और फिर लाल वाले के 1, 2, 3 पे इस तरह, ठीक है, इसको लगा लेना है। इसके बाद क्या करना है कि हम लोगों को एक हिट हेट ले लेना है, क्या कि जो भी आज हम लोग अगर जो भी बीट बनाते हैं उसका हिट हेट, तो हिट हेट लगाने का फंडा यही है। बाकी हम इसी में आप लोगों को बता देंगे कि हिट हेट हम लोग कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों को अगर देखिए क्या बजेगा, है ना, इसमें हम लोगों को, तो इसका थोड़ा सा आप लोगों को अपने हिसाब अपने अकॉर्डिंग इसमें कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक बीट यहाँ जैसे 4-4 बीट ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा पैटर्न बनाता, तो दूसरा पैटर्न बनाऊँगा तो फिर यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर 4 बीट ले लूँगा, जैसे किक लगाने के यही फंडा है, ठीक है, 4 बीट ले लूँगा। लेकिन अब यहाँ से 4 बीट लेने के बाद क्या है कि ढोलक को इस तरह नहीं लगाऊंगा, जो पहले मैंने लगाया था उस तरह नहीं लगाऊंगा, अब इस तरह लगाऊंगा, ठीक है ना, इस तरह लगाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, मैं अपना एक जैसे ढोलक, तो यह ढोलक, ठीक है, इसको क्या करेंगे ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना, इसको इस तरह कर लेंगे,
और यहाँ जो छोटा वाला जो ढोलक जो मुट्ठी से हम लोग बजाते हैं, ठीक है, तो इस पे कर लेंगे। बाकी जो है अपना, ये नहीं मजा आ रहा है तो फिर इस तरह कर देंगे। अगर ऐसे नहीं मजा आ रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको कर लेंगे ठीक के पीछे लगा लेंगे, ठीक है, ठीक है, पीछे लगा लेंगे, ठीक है। बाकी अगर लग रहा है कि हम लोग को ऐसे नहीं मजा आए तो फिर इसको हम लोग यहाँ से फिर इसमें क्या करेंगे, 4 बीट कर लेंगे और जो हिट हेड को हटा लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग आप लोगों को बता दे रहा हूँ इस तरह का ये हो गया। और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि सारे बनाने के चक्कर में मैं रहूँगा तो लंबा तो ज़रूर होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 बीट बना दिए। उसके बाद मैं तीसरा में क्या करता कि मैं आप लोगों को बताया कि बीट बना लेना है, तो बीट कैसे हम लोग एंट्री करते हैं उसके लिए मैं आप लोगों को फंडा बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से ऐसे ऐसे कर कर भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका अलग क्वालिटी हो जाएगा, लेकिन इसको अगर हम पियानो में कन्वर्ट करेंगे तो उसका अलग क्वालिटी। इसको पियानो में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह करना होगा, ठीक है ना, इस तरह करना होगा। तो यहाँ से हम पूरा को डिलीट कर देते, लेकिन यहाँ इस तरह के नहीं करना, हम लोगों को इस तरह करना है, ठीक है। क्या करना है, हम लोगों को एक एक करके यहाँ चढ़ा लेना, ठीक है ना, एक एक करके हम लोगों को इस तरह कर लेना है, ठीक है, इस तरह कर लेना है। अब अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ से भी अगर हम लोग कर सकते थे, जैसे उसमें बीट बनाया था ना, उस तरह भी कर सकते थे। तो ये मेरा क्या हुआ, एक हाफ बीट बन गया, क्या हुआ, हाफ बीट बन गया। तो और जो भी मैं आप लोगों का ये बनाया हूँ तो इसको ऐसे कंट्रोल प्लस करके इसको ऐसे सटा देना, ठीक है, क्योंकि अब आप लोग सुनिएगा, ठीक है। ये आप लोगों को मैं बता दिया, फिर अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं इसका दूसरा जो एक दो हम लोग बीट बना लिए, तीसरा तो ब्रेक बना लिए, लेकिन फिर यहाँ चौथा को मैं फिर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ क्या बनाने के लिए, बीट बनाने के लिए, जो कि सॉन्ग में हम लोग इजीली यूज करते हैं, जो इसे डीजे सॉन्ग में यूज करते हैं। तो उसका फंडा यहाँ 3 कर लिए, तो यहाँ फिर इसको 4 करना पड़ेगा। अब किक लगाने का जो फंडा हुआ तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, क्योंकि मैं अपनी किक जो है वो मैं इस तरह लगाने वाला हूँ। तो आप लोग अपने से बेसिक में सुनिएगा कि किस तरह जो भाई बता रहा है वो किस तरह से बता रहा है, ठीक है ना। इस तरह का इसमें होगा, ठीक है, समझे, इस तरह। और ढोलक हम लोगों को समझे, ढोलक हम लोगों को कुछ गलत लग गया था, उसके बाद हम लोग क्या कर लेना है वही कि समझे, ठीक है, हिट हेड को हम लोग इसको कर लेते हैं, बना रहा हूँ। लेकिन अब हम लोग क्या बनाएंगे, ब्रेक में बनाना है, तो ब्रेक तो अभी एक बीट का बनेगा, एक बार का बनेगा, बीट का नहीं भाई, मैं गलत थोड़ा सा सॉरी मैं आप लोगों को बोली। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग ढोलक जो है, ढोलक को हम लोग इस तरह बनाना पड़ेगा। अब आप लोग अपना सुनकर देख लीजिएगा, ठीक है, सुनकर देखिएगा, उसके बाद आप लोग अपन है ना, इस तरह आप लोगों को ये कर लेना है। बाकी आप लोगों को और इसमें लगाना है, इसमें
इसको आप लोग अगर सॉन्ग के साथ लगाइएगा तो और बढ़िया बन सकता है, ठीक है, इसको और बढ़िया बन सकता है। तो मैं आप लोगों को तीन बना दिए, और बाकी आप लोगों को सुनना है। देखिए अब फिर दूसरा जो मैं बना रहा हूँ इसमें ब्रेक, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जो बना रहा हूँ इसी अथी से बनेगा, बहुत सारा ब्रेक बनाने का अपना अलग अलग फंडा है भाई, ठीक है ना, अलग अलग फंडा है। तो इसको क्या कर लेना है, इस तरह यहाँ से इस तरह कर लेना है, समझे, और इसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह कर लेना है, ठीक है ना, इस तरह कर लेना है। तो इसका देखिए एक अलग क्वांटिटी आवाज़ आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर लग रहा है कि हमको इस तरह नहीं, तो इसको किक को भी हम लोग साथ ही ले सकते हैं, समझे, किक को अगर देखिए इसको पीछे अगर इसको बजाएंगे तो, समझे, तो इसको क्या हो गया, इसको हम लोग इसलिए बनाया क्योंकि ये जो हम लोगों को गलत लग चुका था, है ना। तो इसको हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि क्या करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग अगर चाहते कि हम और इसका बीट बनाएं, ब्रेक बनाएं, तो बहुत देखिए क्या है ना, आप लोगों को पास लूप होना बहुत ज़रूरी है, समझे, आप लोगों को पास, देखिए आप लोग देखिए इससे भी बनता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसी से, मतलब हम लोग इसका भी मतलब जैसे सुन के, है ना, तो इसको हम लोग इस तरह बना सकते हैं, बाद अगर इसको लगाते हैं, इससे आ रहा है मजा। बहुत सारे ऐसे मतलब डीजे ट्रैक में आप लोग सुने होंगे, तो यहाँ से नहीं मजा आ रहा है, इसको इस तरह से कर देंगे, तो आप लोग देख लिए कि मतलब ब्रेक मैच कर रहा है। तो भाई मेरा आज का वीडियो सबसे ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि मेरे भाई जी ने बहुत बोला था, तो मैं लाइव आप लोगों को बनाकर दिखाया। तो ठीक है, अगर आप लोगों को अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस तरह का वीडियो आप लोग अगर देखना चाहते हैं या इस तरह के ब्रेक या पैटर्न बनाना चाहते हैं, तो मैं अगले वीडियो कल फिर से लेकर आऊँगा। उसके साथ मैं आप लोगों को लेकर आऊँगा कि बेस लाइन कैसे बनाना है, उसके ऊपर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।